हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था। बच्चों, यहाँ एक एक न्यूट्रिशन के बारे में आज अपने स्टडी करेंगे। तो बच्चों, आपने क्या करना है, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, बच्चों एक प्लांट बॉडी के अंदर इनकी मुख्य भूमिका, इनका रोल, इनके फंक्शन क्या क्या हैं, और बच्चों एक प्लांट बॉडी के अंदर अगर इनकी कमी हो जाए तो उस कमी के प्लांट बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स उनको बोलते हैं। एक प्लांट बॉडी के अंदर अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो उस प्लांट बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की कमी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इसी प्रकार एक सल्फ़र का प्लांट बॉडी के अंदर क्या रोल है, क्या फंक्शन है, अगर सल्फ़र की कमी हो जाए तो प्लांट बॉडी के अंदर, उसकी पत्तियों के अंदर, उसके स्टेम के अंदर सल्फ़र की कमी के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो बच्चों, ये आज आपने स्टडी करने हैं और इससे रिलेटेड मैं आपको ये जो मटेरियल है ये आपको मैं सेंड कर रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ आप नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस और कैल्शियम से रिलेटेड इनके रोल यानी फंक्शन और डेफिशिएंसी सिम्टम्स इनको स्टडी करोगे। बच्चों, पहले कॉलम के अंदर नाइट्रोजन के ठीक सामने आप देखो क्लोरोसिस, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब है कि आपको मालूम है कि जो क्लोरोफिल है कहाँ मिलती हैं, लीव्स के अंदर, और उनका मुख्य जो फंक्शन क्या है, फूड सिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना। तो बच्चों, अगर प्लांट बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो सबसे पहला जो कमी का जो लक्षण है वो पत्तियों के ऊपर दिखाई देगा, यानी क्लोरोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्लोरोसिस का मतलब यहाँ पर क्या है कि क्लोरोफिल का डैमेज होना। जब क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा तो फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्लोरोसिस यानी जो हरापन है धीरे धीरे वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है और जो एंथोसाइनस जो पिगमेंट्स हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों, इसी वे में आपने सल्फ़र, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मॉलिब्लेडम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, जिंक, इन सब की आपने स्टडी करनी है। अगर बच्चों इसमें आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। और बच्चों, कुछ विशेष प्रकार के जो डिजीज हैं जो कि नाम से फेम्स हैं, जैसे कॉपर के ठीक सामने वाले कॉलम में आप देखो डाइबैक ऑफ सिट्रस, ये एक विशेष प्रकार की जो डिजीज हैं। सिट्रस यानी नींबू, संतरा, जो खट्टे जो फ्रूट्स हैं, फलदार जो पेड्स हैं जिनमें सिट्रस मिलता है, विटामिन सी मिलता है, उनमें विशेष प्रकार का ये रोग मिलता है। तो बच्चों, कई बार मेन एग्ज़ाम के अंदर बाय नेम छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे डाइबैक ऑफ सिट्रस किसकी कमी से होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कॉपर की कमी से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।